नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। श्री राम जानकी मंदिर नवीन गल्ला मंडी हरदोई में भगवान श्री सीताराम जी का अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव विशेषता दो कारण से मनाया जाता है। प्रथम कारण यह कि भगवान श्री राम लंका विजय उपरांत जब श्री अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या वासी दीपोत्सव मनाकर भगवान का स्वागत करते हैं और अगले दिन नए नए प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। भगवान बड़े ही प्रेम से वो नैवेद्य ग्रहण करते हैं। और दूसरा कारण इंद्र के अहंकार को नष्ट करना। जब इंद्र नाराज होकर गोकुल वासियों पर गंगोर वर्षा प्रारंभ कर दी तो गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पर उठाकर 7 दिनों तक उठाए रखकर गोकुल वासियों की रक्षा की। तो इसी खुशी को सभी गोकुल वासी नाना प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाकर गोवर्धन महाराज की पूजा की, इसलिए ये अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर में भगवान श्री सीताराम जी का अन्नकूट इस अवसर पर मंदिर में भी भगवान श्री सीताराम जी का अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। भगवान श्री सीताराम का विधि विधान से पूजन किया गया, अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। पुजारी मैथिली शरण ने वैदिक मंत्रों से पूजन कराया। उसके बाद भगवान की महाआरती हुई, प्रसाद सभी को भक्तों में वितरण किया गया। अन्नकूट महोत्सव की सभी भक्तों को पुजारी ने बधाई। इस अवसर पर राकेश अग्रवाल, मीरा अग्रवाल, मनोज गुप्ता, संजय गुप्ता, दिलीप गुप्ता, रमेश गुप्ता, निखिल अग्रवाल, आदित्य गुप्ता, राकेश शुक्ला, अनिल गुप्ता, अमित गुप्ता, खुशी राम गुप्ता, सुरेश पाल सिंह, सुरेश दीक्षित, राम सेवक, विनीत गुप्ता, अतुल ज्वेलर्स आदि अनेक भक्त उपस्थित रहे। इसके अलावा मंगलीपुरवा स्थित श्री राम जानकी हनुमत धाम में भी अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित हुआ। महोत्सव परंपरा मनाने के विशेषता दो कारण हैं। प्रथम, भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आते हैं तो अयोध्या वासी वहाँ दीपोत्सव करके भगवान का स्वागत करते हैं और दूसरे दिन 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं और भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। दूसरा कारण है, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोप वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की। इससे भगवान इंद्र नाराज हो गए और घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दी। इंद्र के कोप से भगवान कृष्ण ने गोप वालों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठा लिया और 7 दिनों तक उस पर्वत को उंगली पर धारण किए रहे और सारे गोप वाले उसी के नीचे आ गए और भगवान ने सभी की रक्षा की। भगवान कृष्ण 8 प्रहर प्रसाद ग्रहण करते थे तो गोप वालों ने 8 सते 56 प्रकार के व्यंजन अर्पण करके गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना किया और नैवेद्य अर्पण किया। भगवान श्री कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत में प्रविष्ट होकर के बड़े प्रेम से उस नैवेद्य को अर्पण किया और तभी से ये गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव की परंपरा आ रही है जिसे हम लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं। आज श्री राम जानकी मंदिर में वही अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। जय श्री सीताराम। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।